गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हम अपना एरिया अंडर कर्व का सेकेंड लेक्चर करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एरियाज। पहले तो जैसे हमने इसका एरिया निकालना है, बिटवीन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। बहुत इजी है। अगर अब आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है, सिंपल हमने क्या करना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, क्योंकि ये हमारा है पैराबोला। एक्स की डिग्री कम है, इसके आगे पॉजिटिव है, तो ये एक्स की तरफ पैराबोला होगा। यहां से हमने वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। पहले वाई की वैल्यू आएगी, यहाँ पे स्केयर है, उधर जाकर ये स्केयर रूट हो जाएगा। डन। एज इट इज एक्स इज इक्वल टू वाई की मैंने बताया था आपको, ये होती है हमारी इसकी स्ट्रेट लाइन। इससे भी वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, ये डन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एरिया। दिस इज अवर कॉमन एरिया, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ये ओ ये ए। इसका हमने एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए पहले तो इसके एंड पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। ये तो हमें देखकर ही पता चलता है, ये पॉइंट होगा जीरो जीरो। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे हमने टेंथ में किया था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट इन दोनों से मिलकर बना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं टेंथ वाले मेथड से। एक है y इज इक्वल टू x, एक y इज इक्वल टू रूट एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे, ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, ये बना स्केलिंग कर दी, ये बना एक तरफ ले जाकर हमने कॉमन निकाल लिया, तो x की वैल्यू एक तो जीरो आ गई, एक x की वैल्यू वन। जीरो तो हमारा ये पॉइंट है, x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन हमारा ये पॉइंट है। 99% क्वेश्चन हमारी x की वैल्यू से ही आ जाएंगे। अगर y निकालना है तो निकाल लो, अगर नहीं निकालना उसके बिना भी चल जाएगा। तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये मेन याद रखना। इंटीग्रल एरिया का मेन यही है, जो जिसका भी हमने निकालना है एरिया, जैसे इसका एरिया निकालना है, इस शेडेड पोर्शन में जो ऊपर वाली कर्व है y की, उसके वैल्यू ऊपर वाली कर्व ये है, इससे y की वैल्यू क्या है, रूट एक्स। माइनस अगर नीचे कोई भी कर्व है, ये नीचे ये कर्व है, ऊपर वाली कर्व से y की वैल्यू माइनस नीचे वाली कर्व से y की वैल्यू, नीचे वाली कर्व से y की वैल्यू क्या है, x। डन। अब इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स, x लोअर लिमिट है जीरो, x की अपर लिमिट है वन। बस ये याद रखना है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके आगे मॉड डालना है। अगर हमारा आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो नेक्स्ट लाइन पे उसको हम पॉजिटिव लिख देंगे। देन बस सिर्फ एरिया का ये मेथड याद रखना, ऊपर वाली कर्व से वाई की वैल्यू माइनस नीचे वाली कर्व से वाई की वैल्यू। बस इसका इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, स्क्वायर रूट है पावर में एक ऐड उतने से डिवाइड, ये भी यही है पावर में एक ऐड उतने से डिवाइड। फिर लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट वन पुट करेंगे तो वन ये बन जाएगा, ये बन गया हमारा टू बाय थ्री माइनस वन बाय टू, फोर माइनस थ्री वन बाय सिक्स स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे इसका आंसर। डन। इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। देखिए दोबारा से एक बार, एक और क्वेश्चन देखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एरिया बिटवीन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के बीच वाला एरिया ड्रॉ करें, इजी है सिंपल। हमने पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये पैराबोला है, एक्स की डिग्री कम है, इसके आगे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव के तरफ पैराबोला होगा। यहां से हमने वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, ये जानी। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू y, क्योंकि y की डिग्री कम है, इसके आगे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की तरफ, ये भी पैराबोला होगा। इससे भी y की वैल्यू निकाल लो, ये है। दोनों का कॉमन क्या आया, ये है। अब इसके एंड पॉइंट लिखने, ये तो हमें देखकर ही पता चल रहा है जीरो है। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को टेंथ वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे, एक ये है एक ये है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने मीन x निकालना है, कैसे x निकलेगा, ये y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, स्केलिंग कर ली। देखिए अगर x कॉमन निकालेंगे तो इससे एक तो x की वैल्यू आएगी जीरो, एक आएगी वन। ये जीरो तो ये रहा, देखो दिस इज x इज इक्वल टू वन। डन।
अब एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऊपर वाली कर्व से वाई की वैल्यू, ये ऊपर वाली ये है शेडेड में, माइनस नीचे वाली कर्व से वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर, लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू वन, और ये याद रखना एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यहां पे नॉट आएगा, डन। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन निकाल लेना है, वैसे ही ये बना हमारा 3/2, ये बना क्यूब, लिमिट्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 माइनस 1/3, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, इजी है मेरे ख्याल से, तो काफी इजी है, दैट्स इट।